हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सी जी स्मार्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 के मैथ सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हमने चैप्टर 4 को लिया है। चैप्टर 4 हमारा इक्वेशन है और इसे ही हम आज समझेंगे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बस इक्वेशन का क्या होता है ये बताना चाहेंगे। इक्वेशन का मतलब होता है ऐसा स्टेटमेंट जहाँ पे क्वेश्चंस जो हमारे हैं मैथ्स का जो न्यूमेरिकल है हमारा उसके बीच में इक्वल टू का सिंबल आए, यही इक्वेशंस के आइडेंटिटी है। यही बताता है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 4.1 लिया है। तो 4.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिया हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन एंड चेक द आंसर। हमें इस गिवन इक्वेशन को सॉल्व करना है और जो भी हमारा आंसर आएगा उसे हमें वेरीफाई करना है, मीन्स चेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन है हमारा 7x + 15 = 3x + 31। यहाँ पे हमारे पास दो नंबर ऐसे हैं जिनके पास x है, मीन्स वेरिएबल है, और दो नंबर जो हमारे हैं वो मेन नंबर हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो वेरिएबल्स हैं उन्हें हमें एक तरफ करना होगा और नंबर्स को एक तरफ करना होगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वी विल राइट एज इट इज क्वेश्चन, देन वी विल सॉल्व इट। यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 7x, हमने 7x ले लिया। अब हमारे पास जो हमारी ये साइड है इक्वल के इधर की साइड है, यहाँ पे 3 के पास भी x है। तो ये जो 3x है हम x को x के साथ ले आएंगे। दोनों एक जैसे वाले हैं तो हम एक तरफ लिख लेंगे, और नंबर दोनों एक जैसे वाले हैं तो हम इन्हें एक तरफ लिख लेंगे। अब आपको पता है कि जब साइड चेंज होती है तो इसके सिंबल्स भी चेंज हो जाते हैं। ये 3 यहाँ पे दिया हुआ है हमें प्लस में, अब इसे हम इस साइड लेके आएंगे, इसका साइड चेंज करेंगे तो इसके सिंबल्स भी चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ आके ये हो जाएगा माइनस इक्वल। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 31 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इस साइड हमारे पास 15 दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, इसे हमें इसके साइड लेके आना है नंबर वाले की तरफ। यहाँ पे हमने वेरिएबल्स लिख लिए हैं तो यहाँ पे हम नंबर वाले नंबर्स लिखेंगे, तो इसे हम इस तरफ ले आएंगे। अब फिर वही चीज़ है कि हम साइड चेंज कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, साइड चेंज करने की वजह से सिंबल्स भी चेंज हो जाएंगे। ये यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है तो ये यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस 15। अब आगे इसे सॉल्व करना है, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, 7 माइनस 3 तो ये हो जाएगा 4x = अब यहाँ से हमें इसे माइनस करना है तो यहाँ पे 31 माइनस 15 करना है। तो यहाँ पे देखिए ये 11 माइनस रफ में कर सकते हैं, 11 माइनस 5 6 बच जाएगा, और यहाँ पे 2 माइनस 1 1 बच जाएगा, ये 16 आ गया। अब देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम x को यहाँ पे रहने देंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये 16 तो पहले से ही दिया हुआ है इस तरफ। अब यहाँ पे हमारा ये जो 4 है, 4x का मतलब यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, मतलब ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो अब अगर हम फिर से इसकी साइड चेंज करते हैं तो हमें जो याद रखना है, साइड चेंज मतलब सिंबल चेंज। तो अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, सो x इज इक्वल टू 4। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। यहाँ पे हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया, बट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है चेक द आंसर। तो अब हमें आंसर को चेक करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो x की वैल्यू है उसे हमें इस इक्वेशन में रख के सॉल्व करना होगा। यहाँ पे हमने लिख लिया है चेक, हमें यहाँ पे चेक करना है, क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें से हमारा ये जो पार्ट है इक्वेशन मतलब इक्वल टू के इधर का जो पार्ट है इसे हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और जो इधर का साइड है इसे हम कहेंगे राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले x की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x। अब दोनों तरफ हमें क्या करना है,
x की वैल्यू पुट करनी है। तो इससे हम यहाँ पे समझ लेते हैं, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है 7x प्लस 15। अब देखिए 7 है और x दिया हुआ है, हमें x की वैल्यू पुट करनी है। x इज इक्वल टू हमारे पास आया है 4 और ये हमने लिखा 15। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब हमने आपको बताया मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं तो 4 7 4 28 प्लस 15। अब हमें क्या करना है, इससे प्लस कर देना है, 8 प्लस 5 13 की 3 कैरी 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 43 आ गया हमारा, है ना। अब इसके बाद सेम ऐसे ही हमें राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड दिया हुआ है हमारा 3x प्लस 31। अब हमें फिर से वही है, x की वैल्यू हमें पता है 4 प्लस 31, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, तो 3 4 12 प्लस 31, ये हो गया हमारा। यहाँ तक समझ में आया। अब हमें क्या करना है, इसे ऐड कर देना है, 2 प्लस 3 एंड 3 प्लस 1 4। अब देखिए हमने जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तब हमें 43 मिला, जब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तब भी हमें 43 मिला। तो हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और हमें चेक करना था यही चीज, तो क्योंकि क्या हुआ है, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो सही है, इसका मतलब हमने जो x की वैल्यू फाइंड आउट की है x इज इक्वल टू 4 वो हमारा सही है, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सो x इज इक्वल टू 4 इज करेक्ट। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा एक और न्यू चैनल है जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें हम डेकोरेटिव आइडियाज़ बताते हैं। हमारे चैनल का नाम है प्रिंसेस आर्ट, और डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उसमें ज़रूर विज़िट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।